झारखंड में सरकार गिराने की कोशिश। नमस्कार, आजाद सिपाही के ज्वलंत मुद्दा में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। रांची की फिजा में मौसमी बादलों की तरह 23 जुलाई को कई तरह के सवाल उमड़ धुमड़ रहे थे। हर एक व्यक्ति यह जानना चाहता था कि सचमुच में सरकार को लेकर क्या कुछ चल रहा है। कुछ लोग यह जानना चाह रहे हैं कि कौन लोग हैं जो हेमंत सरकार को गिराने का प्रयास कर रहे हैं, सत्ता पक्ष के किन किन विधायकों पर डोरे डाले जा रहे हैं, किन किन विधायकों से संपर्क किया गया है, किन किन विधायकों का मन डोल रहा है। दरअसल झारखंड के लोगों के मन में इस तरह के सवाल कर्नाटक और मध्य प्रदेश की राजनीतिक उठापटक देखकर ही उठ रहे हैं। कहने को तो लगभग एक साल से हेमंत सरकार को अस्थिर करने की बातें सामने आ रही थी, लेकिन अब पहली बार पुलिस ने साफ साफ कहा है कि राज्य सरकार को अस्थिर करने की साजिश रची जा रही थी। इस संबंध में उसने लिखित रूप से दिया है। पिछले अक्टूबर महीने से यह बातें दबे छिपे ढंग से लोगों की जुबान पर थी। उस समय तो यहाँ तक कहा जा रहा था कि 6 विधायक दिल्ली भी पहुँच गए हैं। कुछ के नागपुर जाने की भी चर्चा थी। उसमें अधिकांश कांग्रेस के विधायकों के नाम आ रहे थे। इधर हाल ही में कांग्रेस के विधायकों के दिल्ली आने जाने का सिलसिला बढ़ गया था। इस दौरे को लेकर भी कई तरह के सवाल हवा में तैर रहे थे। अचानक 23 जुलाई को सरकार के अस्थिर करने की बात को आधार मिल गया। एक होटल से 3 लोगों की गिरफ्तारी के बाद इस पर मुहर लग गई। इनके पास से 2,00,000 रुपए कैश और हवाई यात्रा से जुड़े कागजात भी मिले हैं। हालांकि पुलिस ने उनके बयान सार्वजनिक नहीं किए हैं, लेकिन अंदर खाने से यह सूचना मिल रही है इन्हें विधायकों पर डोरे डालने के लिए किसी खास नेता ने भेजा था और इन्होंने संपर्क भी साध लिया था। इन्हें लोगों ने संभवतः कुछ विधायकों के नाम भी पुलिस को बताए हैं। दूसरी ओर गिरफ्तार 3 लोगों में से 2 के परिजन कोतवाली थाना पहुंचे और उन्होंने पुलिस को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। उनका कहना था कि उनमें से एक सब्जी बेचता है और दूसरा दिहाड़ी मजदूर है। पुलिस ने उन्हें 2 दिन पहले बोकारो से यह कहकर उठाया था उनसे कुछ पूछताछ करनी है और 1.5 घंटे बाद उन्हें छोड़ दिया जाएगा। दरअसल कांग्रेस विधायक जयमंगल उर्फ अनूप सिंह ने 22 जुलाई को कोतवाली थाने में लिखित शिकायत की थी। उसमें कहा था कि कुछ लोग सत्ता पक्ष के विधायकों की खरीद फरोख्त कर सरकार गिराने की साजिश कर रहे हैं। इसके बाद पुलिस हरकत में आई और इस दौरान 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इस गिरफ्तारी के बाद झामुमो ने ऑफिशियल तौर पर यह बयान दिया है कि इसमें भाजपा का हाथ है। उसने कहा है कि भाजपा को यह पच नहीं रहा कि हेमंत सोरेन सरकार चला रहे हैं, इसलिए दाम दंड भेद अपना रही है। उसने कर्नाटक और मध्य प्रदेश का हवाला भी दिया है। वहीं भाजपा का कहना है कि यह सब भाजपा को बदनाम करने की नीयत से किया जा रहा है। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा कि यह कपोल कलिप्त है। वहीं सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि क्या 2,00,000 रुपए में विधायक खरीदे जाएंगे? क्या झारखंड में विधायकों की कीमत महज 10,000 रुपए है? इससे अधिक कीमत तो बकरीद के अवसर पर बकरों की थी। इस तरह के सवाल पर तभी विराम लगेगा जब पूरा का पूरा सच सामने आएगा। यह कब आएगा देखना अभी बाकी है।